गाने हम देख रहे थे, बहुत ही एक्साइटेड थी पब्लिक, बहुत धूप मतलब अच्छा फैंटेस्टिक गाना है। और आप कितना एंजॉय कर रही हैं और कितना करने वाली हैं और कितने एक्साइटेड हैं इस गाने को लेकर? सॉन्ग लॉन्च हुआ तो एक्साइटमेंट अभी शुरू हो गया ऐसा, क्योंकि उसके पहले तो मैं सिर्फ गाने के लिरिक्स सीख रही थी और मेरे लिए तो ये पहली बार है मराठी में, मैं तो बिल्कुल बात नहीं कर सकती और मुझे समझ में भी नहीं आती बिल्कुल कुछ भी। तो एक 4 मिनट का गाना और वो लगातार गा रही है तो मेरे लिए इन द बिगिनिंग तो बहुत ही मुश्किल था। मैंने सोचा कि मैं कैसे करूँगी, मतलब मराठी में गाना है, पूरा लिपसिंग करना है, हर एक वर्ड को सही से बोलना है, तो एक चैलेंज था। और सबको पता है मुझे चैलेंजेस बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक ही चैलेंज था और ये भी मैंने अच्छे से कर दिया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे। 4 मिनट का गाना आपने सिर्फ अभी 90 सेकंड्स देखा है, तो बहुत बाकी है, अभी मूवी देखने के बाद पता चलेगा और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मराठी आपको अल्लाह जी, ये गाने बहुत सुपर डुपर हिट है मराठी में, और इसको रिक्रिएट करना और उसमें आपका पार्ट होना कितना चैलेंज, तो जैसे आपने कहा चैलेंज जी चैलेंज तो है, पर ये एक बड़ी बात भी है मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इंडिया से नहीं हूँ, मेरे लिए जो भी मुझे मिल जाए बहुत स्पेशल है। पर एक ऐसा गाना जो एक एवरग्रीन गाना है, जो ऑलरेडी एक सुपर हिट है, उसमें आप प्रोड्यूसर ने मुझे चुन लिया इसके लिए और बोला कि उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मराठी इंडस्ट्री बूम कर रहा है इन दिनों, और या आपको काम करके मराठी इंडस्ट्री में या इस फिल्म में टकाटक 2 में कैसा फील कर रही हैं और क्या फ्यूचर है इसका मराठी इंडस्ट्री का? देखिए मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो, जब स्टोरी अच्छा हो, मूवी अच्छी हो, जो भी स्टोरीज है, जो भी चीज़ें हो रही हैं मूवी में, जब वो अच्छा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साउथ में हो, मराठी हो, बॉलीवुड हो, तो इट्स ग्रेट एंड इट विल डू वेल। सो द सेम थिंग गोज फॉर टकाटक 2, इट हैज़ अ ग्रेट सॉन्ग, आई नो दैट द फर्स्ट मूवी हैज़ डन ग्रेट एंड वेरी वेल, सो आई थिंक आई एम हैप्पी, माई फर्स्ट मराठी मूवी। इलनास को एक टैगलाइन मिल गया है, लिंबू, क्या अभी बोल रहे थे पब्लिक, लिंबू कलर जी सारी कैसा उसको अप्रिशिएट कर रही है या सेलिब्रेट कर रही है? Well, I celebrate everything that's positive. और ये साड़ी तो वैसे बहुत अच्छी साड़ी है, तो it's great. I guess. और आज 15 अगस्त है, उसके दिन आपका गाना लॉन्च हुआ, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही स्पेशल है सबको, मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे है, बहुत ही स्पेशल है और मेरे लिए भी हर साल स्पेशल है इंडिया में। जो एक्सेप्टेंस मुझे मिला है, जो रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है और प्यार भी, मैं उसके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। आप सब लोगों को, मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था इंडिया आना, हिंदी सीखना और अभी यहाँ पे काम करना, ये इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ए गिवन फॉर अ फॉरेनर, फॉर एन आउटसाइडर। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू। गाना बना खास दिन है जैसे 15 अगस्त है, और खास आपका गाना टकाटक 2 का गाना रिलीज हो रहा है, कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहला रिएक्शन क्या होगा प्रथमेश का इस गाने को लेकर और आज खास करके इस शुभ दिन के लिए? एकदम टकाटक पहले तो ये रिएक्शन होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आज अमृत महोत्सव है, 75वा स्वतंत्र दिन आहे, आणि मला असं वाटतं की या दिवशी आपण नेहमी शूरवीरांना मानवंदना देत असतो, त्यांची आठवण काढत असतो, आणि या दिवशी आमच्या टकाटक 2चं, म्हणजे टकाटक 2चं एक टकाटक गाणं हृदयी वसंत फुलताना लॉन्च होतं, याच्या मागे मला असं वाटतं हृदयी वसंत फुलतानाची हिस्ट्री काय आहे किंवा ते कुठल्या सिनेमातलं गाणं आहे हे कोणालाही सांगायची गरज नाही, ते सगळ्यांना माहीत आहे। सो आमच्याकडनं मला असं वाटतं की 15 ऑगस्टला जसं आपण शूरवीरांना मानवंदना देतो, तसंच आमच्याकडनं आमच्या विनोदवीरांना
ही मानवंदना आहे टकाटक 2 संपूर्ण टीम कडून. आणि टकाटक 1 आम्हाला इच्छा होती की आम्ही हे गाणं टकाटक 1 मध्ये ठेवावं किंवा टकाटक 1 नाव सुद्धा हृदय वसंत फुलताना ठेवण्याचा आमचा मानस होता, पण तसं काही झालं नाही. आणि टकाटक 2 वेळेस मिलिंद सरांनी रिलायन्सकडे, पर्पल बोलकडे, म्हणजे सुनील वाधवा सर आहेत किंवा भट साहेब आहेत, त्यांना सांगितलं की आपल्याला हे गाणं करायचं आहे आणि त्यांनी लगेच होकार दिला आणि ते गाणं इन झालं. आणि मी खूप आनंदी आहे ॲक्टर म्हणून, कारण इतके मोठे कलाकार त्या अशी बनवाबनवीमध्ये होते, म्हणजे अशोक सराफ असतील किंवा लक्ष्मीकांत बेर्डे असतील किंवा सचिन पिळगावकर असतील, तर त्यांचे डायलॉग्स जय अत्रे म्हणजे हे जे लिरिसिस्ट आहेत या असे आता ते हृदय वसंत फुलतानाचे, त्यांनी त्याचे काही डायलॉग्स ह्यात ठेवलेले आहेत. म्हणजे तुम्ही जर टीझरमध्ये बघितलं असेल तर लिंबू कलरची साडी जे अशोक मामांनी म्हटलेलं आहे ते आमच्या तोंडून येत आहे हे बघून ॲक्टर म्हणून खूप भारी वाटतं आहे. किंवा धनंजय माने इथेच राहतात का जे लक्ष्मीकांत बेर्डेंनी म्हटलेलं आहे ते आमच्या तोंडून येतं आहे हे बघून फार भारी वाटतं आहे. आणि मला असं वाटतं की जेवढं प्रेम ह्या कलाकारांवर केलेलं आहे तसंच आमच्यावरही करा. टकाटक 2 18 ऑगस्टला येतो आहे, सो प्लीज थिएटरमध्ये जाऊन हे गाणं आणि हा सिनेमा खूप एन्जॉय करा तुम्ही. भूमिका आपका क्या रिएक्शन होगा? पहला डबल डबल धमाका है आज तो, 15 अगस्त है सबसे पहली बात, और उस दिन के आज ही आपका गाना लॉन्च हो रहा है टकाटक 2 का. कितने एक्साइटेड है और क्या होगा फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन तो ये है कि मेरा पहला मूवी है और रिलायंस का भी पहला मराठी मूवी है, सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुशनसीब हूँ कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ, क्योंकि बहुत ही लेजेंडरी मूवी का ये लेजेंडरी गाना जो है वो मेरे पहले फिल्म में है. तो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना बड़ा मास्टरपीस वंस अगेन सारे दर्शकों को देखने मिलेगा. तो एक्साइटमेंट और मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी नहीं बट बहुत एडवेंचरस था हम सब के लिए ये परफॉर्म करना, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और ये टकाटक 2 का टकाटक गाना आप सबको पसंद आया, ये मन से मेरी इच्छा है. प्रशांत आप कुछ शेयर करना चाहोगे? सुशांत तो ये जो गाना है तो बहुत ही लेजेंडरी गाना है. तो इस गाने में आप नहीं हो? तो पहली बात तो मैं इस गाने में नहीं हूँ. मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये गाना और इसके स्टेप्स भी मुझे सब याद है, और मैंने बहुत सालों से मतलब बचपन से ये गाना सुना है और फिर भी मैं मतलब बड़ा कब तो इतने सालों से मैंने ये गाना सुना है मगर फिर भी मैं इस गाने में नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा जेलस फील तो कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहिए था. मगर फिर भी स्टोरी के हिसाब से मैं उसमें इस गाने में नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरी पहली ही फिल्म है और पहली ही फिल्म में इतना लेजेंडरी गाना, और जिस गाने ने जिस एक्टर्स ने पूरे मराठी इंडस्ट्री को और मराठी नहीं पूरे देश को मतलब उनका मनोरंजन किया है और सबको पसंद है ये गाना, तो ऐसा गाना मेरी पहली फिल्म है ये तो बहुत ही अच्छी बात है. और नर्वसनेस तो है ही क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म है, तो एक्साइटमेंट है, नर्वसमेंट है, और बहुत अलग 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 इमोशंस एक ही इस छोटे से दिमाग में ऐसे आ रहे हैं. मगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. हमने टीजर देखा इस गाने का तो बहुत एंजॉय किया हम सब. और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो. हाँ. यूट्यूब पे ऑलरेडी आ चुका है अभी. टीजर मैंने देखा, एक मिनट, गोवा क्यों जा रहे थे? गोवा क्यों जाना है वो आपको 18 अगस्त को पता चलेगा. तीनों बहुत चटपटी बातें करते हैं और कैसी केमिस्ट्री है तीनों की पर्दे पे वो शेयर करना. बहुत बढ़िया है. एक तो डबल मीनिंग में डायलॉग है, बहुत सारे डायलॉग्स है एक्चुअली. और ये मैं कहूंगा कि टकाटक 1 अगर आपने देखी होगी तो बहुत सारी यूथफुल डायलॉग्स में कहूंगा, डबल मीनिंग नहीं, यूथ जैसी बातें करते हैं वैसे डायलॉग्स इसमें भी है, और बहुत सारी मस्ती मतलब धमाल सब है, लेकिन सोशल मैसेज भी है. जैसे टकाटक 1 में था रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसे नहीं कि टकाटक 1 हिट हो गया तो चलो भाई टकाटक 2 बना देते हैं, ऐसे फिल्म बनाई नहीं है, क्योंकि इसकी स्टोरी पूरी चेंज कर दी है. मतलब ये जो कैरेक्टर्स है ये दोनों भी ये नए हैं इस फिल्म में. तो मिनी का कैरेक्टर तो जूना था लेकिन इसने मतलब ये जो लड़की है वो पहली बार टकाटक में इन हुई है. फिर सुशांत का जो कैरेक्टर है वो पहली बार इस फिल्म में, और सुशांत का जो कैरेक्टर है वो हमें चैलेंज देते रहता है हर बार. मतलब हम थोड़े मतलब हम जो लोग, मतलब ये दो हैंडसम लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं पोस्टर पे, उनको भी लड़की नहीं पटती, मुझे भी लड़की नहीं पटती, और इसे पड़ जाती है.
तो देखिए यही है कॉमेडी की, इससे लड़की पढ़ रही है और ये हमें चैलेंज देता है, हमें एक्चुअली मराठी में कहा जाता है उपाशी मित्र मंडल, मतलब उनको कुछ नहीं मिलता, उपाशी रहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो हमारा ग्रुप होता है और ग्रुप को ये चैलेंज देता है कि भाई मुझे लड़की पट रही है तो तुम पटा के दिखाओ, तो हम ईगो पे ले लेते और ईगो पे लेने के बाद हम पटाने की कोशिश करते हैं इन सबको, लेकिन फिर कुछ होता नहीं, बहुत कुछ होता है, देखिए आप 18 अगस्त को आपको पता चलेगा। लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे कैरेक्टर्स भी यहाँ पे इन हुए हैं, जैसे मेरे मम्मी का एक कैरेक्टर है, मतलब वो मम्मी जो है वो सेक्स एजुकेशन देने वाली मम्मी है, हर गांव गांव में जाके लोगों को सेक्स एजुकेट करती है, सेक्स के बारे में अवेयरनेस फैलाती है। पर उस मतलब मेरा जो कैरेक्टर है गणेश बाबूराव ठोके उर्फ ठोके उसे जो कहा जाता है कॉलेज में, लेकिन उसको वो पसंद नहीं आता, वो बोलता है मम्मी को कि मम्मी तू ये सब काम मत करा, अगर एक काम करना छोटे बच्चों को सिखा था उसमें भी सेम तेरे को फीस मिलेगी या सेम तेरे को पैसा मिलेगा, लेकिन फिर उसकी मम्मी कहती कि मैं तेरी माँ हूँ तो मुझे मत सिखा। तो ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस भी इसमें, सिर्फ धमाल मस्ती कॉमेडी या यूथ की लैंग्वेज नहीं है, यूथ को एक बहुत बड़ा संदेश भी इस फिल्म में है। भूमिका कुछ शेयर करना चाहेंगे आप, स्क्रीन का कुछ बातें हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें हैं या शूटिंग में? खट्टी मीठी मतलब समुंदर से आपने शॉट देखा होगा तो समुंदर से बाहर जब आती है तो खट्टी यादें थी सब। बहुत मैं कहना चाहूँगी कि सारे जो मेरे एक्टर्स हैं, सारे मेरे को एक्टर्स हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, हमारे डायरेक्टर मिलिंद कवड़े जी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एज आप सबको पता है कि टीजर में आप सबने देखा होगा कि ऐसे बोल्ड सीन्स देते वक्त, बोल्ड सीन देते वक्त एक्चुअली लोगों के रिएक्शन पहले ये होते हैं कि आपने कैसे किया, या आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स जो आपके आजू बाजू में लोग हैं उन्होंने क्या सवाल पूछे। सो ये जो ये जो मेंटालिटी है कि अगर बोल्ड सीन करेंगे तो फिर ऐसे नेगेटिव कमेंट्स या जो भी है, बट हमारे डायरेक्टर ने और मेरे सारे को आर्टिस्ट ने सबने इतना कंफर्टेबल कर दिया था पहले ही दिन से। सो मुझे बाकी सारी चीज़ों से ध्यान बटाकर मैं जो पॉजिटिव चीज़ अपने कैरेक्टर में करना चाहूँ उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया पहले दिन से, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्या कहना चाहूँगी मैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट लड़की का किरदार है मेरा, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है हर चीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियाँ जो है हमेशा एक रूम देख के बात करने का जो होता है कि कोशिश होती है कि हमको जज ना किया जाए, या कोई भी मामलों में हमको हमारा अगर एक स्टेटमेंट देना होता है तो 100 लोगों के जो क्या उनका रिएक्शन होगा ये सोच के हमको बोलना पड़ता है। बट मुझे लगता है 18 अगस्त के बाद जो लड़कियां होंगी जो एक्चुअली सोचती है बोलने से पहले, वो सोचेंगे नहीं, अपना जो स्टेटमेंट है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मेंशन करेंगी। सो यस, और खट्टी मीठी यादें अगर बोलना चाहे तो मेरे सारे को आर्टिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टकाटक है जैसे मैं हूँ ऑफकोर्स, तो सबने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और बहुत ज़्यादा मेमोरीज है। ये गाना शूट करते वक्त भी हमने ठाणे में शूट किया था MH04 में, तो हमारा गाना शूट करते वक्त भी हमारी जो मस्ती धमाल और ये सब आपको ट्रेलर में देखने मिला ही होगा, उतना ही ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हम सबकी केमिस्ट्री है। और एक बात, वन जैसे एडल्ट फिल्म थी, लोगों ने फिर भी फैमिली ने जाके देखी थी, तो टकाटक टू करते वक्त हमने ऐसे दिमाग में रखा है कि जो जोक्स है वो फैमिली आके भी एंजॉय करे, तो अगर आप फैमिली के साथ ये फिल्म देखना चाहो तो भी जाके आप देख सकते हो, फ्रेंड लोगों के साथ तो आप देख ही सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर होगी हमारी तरह उपाशी होंगे तो फ्रेंड के लोग के साथ ही जाना, लेकिन फिर भी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो फैमिली की वैल्यूज़ बताने वाली ये फिल्म है, तो हमने ऐसी कोशिश की है टकाटक टू फैमिली के साथ भी आप देख सकते हो। सुशांत कुछ टिप देना चाहेंगे जो जिनको नहीं पड़ती है और 18 तारीख को आए देखे फिल्म और पड़ जाए? तो टिप तो पहली है कि मेरे जैसी बना। देखो ऐसी बॉडी भगवान की देन है, एक हर किसी को नहीं मिलती और वो मेंटेन करने पड़ती है, तो वैसे है बॉडी तो बनाओ, विचार भी बनाओ मेरे जैसे विचार बना, कॉन्फिडेंस रखो क्योंकि क्या है कॉन्फिडेंस का गेम है सब कुछ, और इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अतरंगी है और उसको लड़कियां पड़ती है, मतलब देखो ये इतने हैंडसम लड़के उनको उसके टी शर्ट पे भी कुछ बहुत सारी चीजें कुछ लिखा होता है मेरे हर टी शर्ट पे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये इतने हैंडसम लोगों को नहीं पड़ती और मुझे पड़ती है, तो देखो कैसे आप कैसे दिखते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे हो, स्किलफुल हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैंने जैसे बताया वैसे बॉडी तो मेरे जैसी चाहिए, स्टील बॉडी वैसी होगी तो आपको
आपको भी पटेगी। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।